नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शहर के बोर्डिंग मैदान पर 15 जनवरी से शुरू हो रहा क्रिकेट टूर्नामेंट, जिला टीम चयन को खिलाड़ियों का हुआ ट्रायल। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक के पिता पंडित ओम प्रकाश पाठक के पुण्य स्मृति पर शहर के बोर्डिंग मैदान पर तृतीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है। इससे पूर्व सोमवार को बोर्डिंग मैदान पर कन्नौज टीम का चयन करने के लिए क्रिकेट संघ द्वारा जनपद स्तरीय खिलाड़ियों का ट्रायल कराया गया। मामले की जानकारी देते हुए जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पवन त्रिवेदी ने बताया कि पंडित ओम प्रकाश पाठक की पुण्यतिथि के अवसर पर तृतीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी से प्रदेश स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा, 3 फरवरी को फाइनल मुकाबला होगा। उन्होंने बताया कि जनपद की छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें प्रदेश पर लेवल पर पहुंचाने का उद्देश्य इस क्रिकेट टूर्नामेंट को कराया जा रहा है। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और किस प्रकार का खेल प्रतियोगिता शुरू होने वाली है? मैं पवन त्रिवेदी, अपना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे हर साल 30वीं साल है पंडित ओम प्रकाश की स्मृति में ये टूर्नामेंट करवाया जाता है प्रदेश स्तरीय। यहाँ पे अभी तो ट्रायल चल रहा है और ये लोकल जिले के जो कन्नौज ज़िले के हैं वो कम से कम अपना इसमें 2-3 टीमें तैयार करके और इसमें से फिर हम लोग एक टीम चयन करेंगे जिसको मैं 15 तारीख से हमारा टूर्नामेंट जो चालू हो रहा है प्रदेश स्तरीय उसमें खिलाएंगे। तो 15 तारीख को हम लोगों का उद्घाटन है और 3 फरवरी को समापन होगा। जो भी फाइनल पिछले बार भी इटावा जीती थी और इस बार देखते हैं कि क्या होता है। ये क्रिकेट कराने का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हमारे ज़िले के जो टैलेंट हैं, जो क्रिकेटर लड़के हैं, वो आगे बढ़े, उनको एक प्लेटफार्म मिले, उनको खेल सीखने को मिले सब लोगों से और वो अपना परफॉर्मेंस फील्ड पे दिखाएं और यहाँ से निकलेंगे, आगे जाएंगे, प्रदेश में खेलेंगे, प्रदेश के बाद देश में खेलेंगे। और हम लोगों की शुभकामनाएँ रहती हैं बच्चों के साथ में कि वो जो टैलेंट है यहाँ का वो आगे बढ़े और हमारे कन्नौज का नाम रोशन हो। कहीं ना कहीं दबा हुआ टैलेंट बाहर निकल के आता है इसके माध्यम से। जी, बहुत सही। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।